नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे डेक्सोरेन सिरप के बारे में। बहुत ही कॉमनली यूज करी जाती है ये सिरप, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी कंडीशन में लिखी जाती है, कितना डोज लेना है, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कितने की आती है और भी से संबंधित क्या सावधानी आपको रखना है, वो सब हम लोग जानने वाले इस वीडियो में। तो डेक्सोरेन की बात करें तो ये एक ऐसी सिरप है जिसके अंदर ऐसी चीजें डली हैं जो कि खून बढ़ाने काम आती है। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि हीमेटिनिक सिरप बोलते हैं, मतलब कि इसमें मल्टीपल मिनरल्स और एक विटामिन होता है। बेसिकली दो मिनरल्स होते हैं और एक विटामिन होता है जो कि खून बढ़ाने काम आता है। तो अगर ये सिरप लिखी गई है तो या तो खून की कमी होगी और थकान वगैरह होगी, उसके लिए लिखी गई है। ये जो दवा है वो फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेची जाती है, सेल करी जाती है। आप प्राइस की बात करें तो 200 ml की जो सिरप है लगभग 160 रुपए की पड़ेगी। तो मतलब ये एक रीजनेबल रेट है, ठीक रेट है। अब इसके अंदर होता क्या है, कंपोजिशन की बात करें कि ये जो सिरप है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डली रहती है, तो एक तो होता है आयरन। आयरन कैसा उसमें लिखा रहेगा, फेरिक अमोनियम साइट्रेट इस नाम से लिखा रहेगा, तो आप चेक कर लेंगे। 160 मिलीग्राम होता है और एक इसके अंदर होता है विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन नाम से जानते हैं हम लोग। इसकी जो मेडिकल टर्म है 7.5 मिलीग्राम और फोलिक एसिड। तो ये तीनों चीजें, चाहे आयरन हो, विटामिन B12 हो, फोलिक एसिड हो, ये RBC के बनाने में काम आता है। तो इसको लेने से आपका RBC का काउंट बढ़ेगा, खून बढ़ जाएगा। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, RBC एक ऐसा सेल है जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो जो थकान की समस्या है, खून की कमी की समस्या है, इसलिए इतनी ये फायदेमंद होती है सीरम, क्योंकि खून बनने के लिए, बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट चाहिए वो सारे इसमें होते हैं। तो कौन सी बीमारी या किस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब करी जाएगी, अगर इसकी बात करें तो, अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो जाए। अब खून की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ऐसा कारण हो सकता है कि धीरे धीरे खून का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, जैसा कि महिलाओं के अंदर हो सकता है कि महीने के दौरान ज्यादा खून चला जाता है, या जो ज्यादा उम्र के पुरुष हैं उनमें जो GIT है, पेट के रास्ते में से, स्टूल के रास्ते में से ज्यादा ब्लड जा सकता है। ऐसी कुछ कंडीशन है जिससे खून की कमी हो सकती है, या बच्चों के अंदर पेट में जब हुक बर्म का इन्फेक्शन होता है तो उसमें खून की कमी हो जाती है, क्योंकि वो पैरासाइट ब्लड को थोड़ा सक करता है, उससे हल्की ब्लीडिंग भी होती रहती है। और इसके अलावा ऐसे लोगों में जिनमें आयरन की कमी के कारण खून की कमी हो रही हो, तब इसको दिया जा सकता है या दिया जाता है। और ऐसे लोगों में भी दिया जाता है जिनको चाहे विटामिन B12 की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो, या आयरन की कमी हो, किसी वजह से हो सकती है, चाहे उनके शरीर में एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रहा हो या तो उनके खाने में, इन तीनों कंपाउंड की कमी के कारण अगर खून की कमी हो रही है तब इसको दिया जाता है। और इसके अलावा ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, गर्भावस्था और बच्चे को महिलाएं मिल्क पिलाती हैं उस दौरान अगर खून की कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये सिरप डेक्सोरेन लिखा जाता है। तो ये बेसिकली खून बढ़ाने के लिए अलग अलग कंडीशन में। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में कमजोरी लग रही है, कमजोरी कैसे लग रही, खून की कमी के कारण कमजोरी लग रही है, थकान लग रही, चलने फिरने में सांस फूलती है, तो ये कुछ खून की कमी के ही संकेत हैं। और ऐसे लोगों में भी, जैसे किसी को सर्जरी हुई है, ऑपरेशन के बाद खून कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए लिखा जा सकता है, या ज़्यादा उम्र के लोगों में खून कम बनता है तब लिखा जा सकता है। ऐसे लोग जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है या किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी है, तब खून बढ़ाने के लिए दवा लिखी जा सकती है। कहने का मतलब है कि इस सिरप के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि खून बढ़ाती हैं। कितना लेना है, अब इसकी बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कितना लेना है। तो इसमें आपको एक चम्मच सुबह शाम, एडल्ट का डोज है ये, मेल फीमेल दोनों में सेम ही रहता है, और बच्चों में थोड़ा ज्यादा अमाउंट है। तो एक चम्मच आप सुबह शाम लेंगे। इसको दिन में आप दो बार लें, दो तीन महीने तक ले सकते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हम कितने दिन तक इसको लें। तो इसको आप कंटिन्यू दो तीन महीने तक ले सकते हैं, या जब आपका खून बढ़ जाए या नॉर्मल जितना होता है, जैसे महिलाओं के लिए 11.5, पुरुषों के लिए 12.5-13, उतना हो जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। मतलब इस दवा से कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट या बहुत थोड़ा सा, दो तीन महीने ले भी लिया तो इस तरह की कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 5-6 महीने या सालों तक इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करें, बीच में गैप होना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें कि डेक्सोरेन सिरप अगर आप पी रहे हैं, ले रहे हैं, तो इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इस सिरप से साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, रेयर है। जितना डोज में प्रिस्क्राइब किया गया वो लेने से आपको किसी तरीके का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। हल्के फुल्के हो सकते हैं वो भी,
पेट से संबंधित ही है कि जैसे कि पेट में दस्त होना, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है, उल्टी से लग सकता है, इस तरीके से बहुत ही हल्के रहते हैं। अब एक दो वार्निंग जरूर है, मतलब उन लोगों को ये दवा नहीं लेना है जिनको डिक्सोरिन सिरप लेने से एलर्जिक रिएक्शन हुई, मतलब दवा पिया तो शरीर में एलर्जी हो गई, या ऐसे लोग जिनमें आयरन ओवरलोड है। आयरन ओवरलोड उन लोगों में हो सकता है जिनमें कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार खून चढ़ाना रहता है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और कुछ एक दो बीमारियां होती है, हीमोक्रोमेटोमोसिस बोलते हैं, उसमें आयरन का ओवरलोड हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है। और इसके अलावा अल्सर अगर पेट में है तब भी, चूंकि इसमें आयरन रहता है तो उससे अल्सर ठीक नहीं होता, तो अल्सर ठीक हो जाए उसके बाद ये दवा ले तो बेहतर रहता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानी है। और कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानी डिक्सोरिन सिरप लेते समय ये है कि आपके खाने में थोड़ा सा हमें सावधानी ये रखना है कि ऐसा खाना जिसमें दूध हो, मिल्क है, लस्सी है, छाछ है, इसके अलावा कॉफ़ी है, चाय है, इसको जब ये सिरप आप पियेंगे तो इसके और दूध, चाय, कॉफ़ी के बीच में 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो इसके जो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखना है कि दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उसको इस सिरप के साथ नहीं लें। और इससे इम्पॉर्टेंट एक दो और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप पूछते हो डिक्सोरिन सिरप से ही रिलेटेड, कि क्या ये सिरप पीने से स्टूल है, लैट्रिन काली हो जाती, ब्लैक होती है, तो अगर आप, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, बेसिकली वो आयरन की वजह से होता है, जो आयरन का कंटेंट रहता है अगर आप सुबह शाम ले रहे हैं या 2-2 चम्मच ले रहे हैं तो हो सकता है कि ब्लैक स्टूल कुछ लोगों में दिखे, वो कि वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है, जितने दिन तक सिरप लेंगे उतने दिन तक रहेगा और उससे कोई नुकसान नहीं है। एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि सिरप को हम कितने दिन तक लगातार लिया जा सकता है, कंटिन्यू कितने दिन तक ले सकें, तो आप 2-3 महीने पी सकते हैं, उसके बाद फिर गैप करें, फिर दोबारा से ले सकते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है। तो ये डिक्सोरिन सिरप के बारे में जानकारी है, जो कि एक तरीके का मल्टी मिनरल और एक विटामिन होता है, खून बढ़ाने के लिए रहता है, ताकत कमजोरी के लिए रहता है। तो इससे जुड़ी हुई ज़्यादातर बातें मैंने बता दी हैं, उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगा जिनको ये डिक्सोरिन सिरप चल रही होगी या लिखी गई होगी। थैंक यू।